ना फटेंगे, ना बिखरेंगे, ना अंदर से सख्त होंगे। इस बार हमारे गुलाब जामुन हलवाई जैसे सॉफ्ट, रसीले और जालीदार बनेंगे कि एक पीस खाओ के मुंह में घुल जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ त्योहार स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल, बहुत बहुत रसीले और जालीदार गोल गोल गुलाब जामुन की रेसिपी। वो खास टिप्स आपको बताने वाली हूँ कि सूजी के गुलाब जामुन बिल्कुल मावे के गुलाब जामुन लगेंगे, जैसे आप हलवाई से वो मिनी गुलाब जामुन खरीदते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाने वाली हूँ। एक कटोरी सूजी से इस तरह से आपके इतने परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे कि फिर तो बाजार से लेना ही छोड़ देंगे। चाशनी एकदम अंदर तक भी जाएगी और परफेक्ट जालीदार हमारे गुलाब जामुन तैयार होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हलवाई स्टाइल सूजी के बहुत ही नरम, सॉफ्ट और रसीले गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे गुलाब जामुन की चाशनी। तो चाशनी के लिए सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक फैला हुआ सा पैन या कढ़ाई। जो भी पैन या कढ़ाई लें वो इस तरह की थोड़ी बड़ी होनी चाहिए कि जब आप उस पर गुलाब जामुन डालें उन्हें जगह मिल सके कि वो चाशनी अब्सॉर्ब करके फूले फूले हो पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 3 कप चीनी। सबसे पहले ये चीज मेजरमेंट के लिए आप घर की कोई भी कप या कटोरी ले लें, फिर पूरी रेसिपी का मेजरमेंट आप उसी कटोरी से कीजिए, बिल्कुल गलती नहीं होगी। 100% मेरी गारंटी है आपके गुलाब जामुन पहली बार में ही एकदम नरम सॉफ्ट हलवाई जैसे बनेंगे, वो भी सूजी से। ये लीजिए 3 कप चीनी हो गई। अब जितनी आपने चीनी ली है उतना ही आपको लेना है पानी, तो यहीं पर डालेंगे 3 कप पानी। तो सेम कटोरी या कप का ही आप यूज करें, क्योंकि जो गुलाब जामुन की चाशनी होती है वो चिपचिपी होती है, उसको किसी तार का नहीं बनाना होता है। तो सबसे पहले हम मीडियम फ्लेम पर चीनी को अच्छी तरीके से पिघलने देंगे और अच्छे फ्लेवर के लिए यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, चाहे तो इलायची डायरेक्ट भी डाल सकते हैं साबुत हल्का सा क्रश करके। और साथ ही मैं डाल रही हूँ बढ़िया कलर और खुशबू के लिए थोड़े से केसर के धागे, हो तो डाल लीजिएगा वरना कोई परेशानी नहीं। अब अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करेंगे, धीरे धीरे हमारी चीनी बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो जाएगी। ये लीजिए, तो चीनी हमारी बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो गई है। अब यहाँ जरूरी पॉइंट, आपको यहाँ पर कोई भी तार की चाशनी नहीं बनानी। अगर आपने तार वाली चाशनी बनाई तो गुलाब जामुन में अंदर तक नहीं जाएगी और फिर गुलाब जामुन अंदर से सूखे सूखे ड्राई से लगेंगे और सख्त लगेंगे। यहाँ पर आपको चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर 3-4 मिनट चाशनी को थोड़ा और पका लेंगे, फ्लेम को हाई कर लेंगे। अगर आपने चाशनी को बहुत ज्यादा पतला रख दिया तो क्या होगा कि जब आप गुलाब जामुन इसमें डालेंगे तो गुलाब जामुन फूल नहीं पाएंगे, पिचके पिचके हो जाएंगे और साथ के साथ ऊपर की जो उसकी स्किन होती है गुलाब जामुन की वो भी हटने लगेगी। तो उसके 2 ही कारण होते हैं, या तो गुलाब जामुन सही से आपने फ्राई नहीं किए या फिर आपकी चाशनी पतली रह गई। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। और ये देखिए चाशनी में गाढ़ापन आ गया है, तो इस तरह हाथ पर लेकर के देखेंगे, ये देखिए हल्का आपको ना तेल तेल जैसा लगेगा और जब मैं इसको इस तरह छू रही हूँ तो इसमें चिपचिपापन है, पतला नहीं है ये और तार भी नहीं आया है। बस इस स्टेज पर हम तुरंत गैस को बंद कर देंगे। परफेक्ट, तो चाशनी को तो रख देते हैं ढककर अलग, फटाफट बनाते हैं हलवाई जैसे सॉफ्ट सूजी के गुलाब जामुन। एक बड़ा बोल लेंगे और यहाँ देखिए उसी कटोरी या कप से आप लीजिए 1 कप फाइन सूजी। ये देखिए बारीक वाली जो सूजी होती है ना, 2-3 तरह की सूजी आती है मार्केट में, जो फाइन वाली होती है ये मैंने वो ली है जिससे जो गुलाब जामुन का टेक्सचर है ना वो कोई पहचान ना पाए कि सूजी से बने हैं। वैसे अगर थोड़ी नॉर्मल सूजी भी हो ना तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आज जिस तरह से मैं बताने वाली हूँ उसको तो बारीक होना ही होना है। तो यहाँ पर हो गई ये 1 कटोरी सूजी और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ परफेक्ट बाइंडिंग के लिए और टेक्सचर के लिए 4 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप जरूर जरूर डालें, तभी वो टेस्ट आता है सूजी के गुलाब जामुन में, वरना क्या होगा कि वो सूजी के गुलाब जामुन एकदम बस रस भरी हुई बॉल सूजी की बन जाएंगी, उतना टेस्ट नहीं आ पाएगा। लेकिन मिल्क पाउडर डालने से एक तो फटने का डर नहीं रहेगा, साथ के साथ मावे वाला वो जो हलवाई वाले गुलाब जामुन होते हैं वो टेस्ट भी आ जाएगा। तो ये हो गए 4 बड़ा चम्मच दूध का पाउडर, कोई भी दूध का पाउडर ले लीजिए जो नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं। सभी चीजों को ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इन चीजों को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे अपने सूजी के गुलाब जामुन को बिल्कुल परफेक्ट बाइंडिंग मिल जाए कि वो फटे ही नहीं कढ़ाई में जाके, अब वो है मैदा। तो यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच में डाल रही हूँ, 1 चम्मच देखिए ये वाली, इससे मैं 2 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ मैदा। मैदा बाइंडिंग भी दे देगी और फटने का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है जब आप मैदा डाल देते हैं थोड़ी सी। सभी चीजों को बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा मिक्स तैयार। अब आती है वो सीक्रेट चीज कि आज ये गुलाब जामुन को हम मावे जैसा टेक्सचर देंगे कैसे और सभी चीजों में परफेक्ट टेक्सचर निकल कर आए गुलाब जामुन का। तो उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 ग्राइंडिंग जार।
जी हाँ, आप एक मिक्सी का जार लीजिए, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। सारी चीजें जो अभी हमने मिक्स की पूरा आप ग्राइंडिंग जार में डाल दीजिए। साथ ही अपने गुलाब जामुन को रसीला और मॉइस्ट बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ, देखिए इसी चम्मच से 2 बड़ा चम्मच घी। घी का ही इस्तेमाल करें क्योंकि इन चीजों में जो हमने डाली है उनमें फैट नहीं है सूजी में, तो ये जब आप डालेंगे परफेक्ट, तो जो गुलाब जामुन है वो अंदर से रसीले और मॉइस्ट तैयार होंगे। अच्छा, मिक्सी में पीसने का रीजन ये है कि जितनी चीजें हमने डाली हैं, एक तो आपस में बिल्कुल बढ़िया से मिलजुल जाएंगी और जो सूजी में थोड़ी बहुत भी दाने की कसर है वो भी पूरी रम जाएगी, यानी बारीक हो जाएगी सूजी बिल्कुल फाइन, और फिर जो टेक्सचर निकलेगा वो निकलेगा मावे जैसा। है ना बढ़िया ट्रिक? तो बस बढ़िया से सभी चीजों को एक बार चला लेंगे कि सब कुछ बिल्कुल फाइन होके मिक्स हो जाए। ये देखिए परफेक्ट लग रहा है कि ये सूजी है, बिल्कुल फाइन मिल्क पाउडर जैसा टेक्सचर आ गया है। चलिए तो इसको रखते हैं अलग। अब फटाफट से गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन या कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 2.5 कप दूध। फ्लेम बिल्कुल लो रखिए और जो दूध यहाँ हम ले रहे हैं वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है, पहले से उबला हुआ है, ठंडा दूध है नॉर्मल टेम्परेचर का। तो ये हो गया 1 कप दूध, उसी कटोरी या कप से लेना है आपको सारी चीज। और ये 2 कप और 1/2 कप और डाल रही हूँ, टोटल 2.5 कप दूध लिया है मैंने 1 कप सूजी के लिए। और अभी ठंडे में ही, इसे उबलने मत दीजिए, बिल्कुल ठंडे में दूध डाला, तुरंत ही आप मिक्सी में जो हमने अभी पीस के रखा है ना मिक्सचर सूजी का, सारा यहीं पर डाल देंगे और एक विस्कर से या स्पैटुला से लगातार मिक्स करते जाएंगे। इससे 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो लम्स नहीं पड़ेंगे, दूसरा बिल्कुल बढ़िया से सूजी मिक्स हो जाएगी दूध के साथ, अंदर से जो गुलाब जामुन है बहुत जालीदार बनेंगे और पूरा चाशनी को बढ़िया से अब्सॉर्ब करेंगे। ये देखिए, अब आप देखिए इसका टेक्सचर, ये लग रहा है कि सूजी और दूध है। बस अब यहाँ से आपको फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बिल्कुल बढ़िया से मिक्स को गाढ़ा करना है। आज की जो ये रेसिपी है, जो सूजी के गुलाब जामुन होते हैं उसमें सबसे बड़ी परेशानी हमेशा यही आती है कि गुलाब जामुन या तो फट जाते हैं या बिखर जाते हैं या उनकी शेप सही नहीं आती है या फिर चाशनी में डालने के बाद वो बिल्कुल सख्त से रह जाते हैं, गुठली पड़ जाती है और चाशनी अंदर तक नहीं जाती। आज आपकी इस वीडियो को देखने के बाद सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और 100% जब आप मेरी तरह बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आपके सूजी के गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। एक एक चीज आपको बताऊंगी और वो सीक्रेट टिप्स भी आपको बताऊंगी कि कैसे गुलाब जामुन इतने परफेक्ट बनाएं। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ एक जुगाड़ के, जो हमारे गुलाब जामुन का कलर है ना अंदर से, वो बिल्कुल जो दुकान वाले गुलाब जामुन होते हैं उन जैसा है, यानी मावा गुलाब जामुन जैसा है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 पिंच फूड कलर, ये लेमन येलो फूड कलर डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, हो तो डालिए नहीं तो ऐसे भी बना लीजिए। मैं अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ, जब आप खाएं उसमें वो वाला कलर आ जाए दुकान जैसा। थोड़ा सा डालकर बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते जाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये लंबी लंबी लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा बिल्कुल स्मूथ होगा। ये देखिए एकदम बढ़िया से मिक्स हमारा गाढ़ा हो गया। ये देखिए, कोई बोल सकता है सूजी है? एकदम आ गया ना वो मावे वाला कलर और टेक्सचर। तो बस गैस को बिल्कुल बंद कर दीजिए और इसी स्टेज पर जब इसका टेक्सचर एकदम मावे जैसा हो जाए, ज्यादा इसको ड्राई नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही हल्का मॉइस्ट होना चाहिए, तो आप इसे तुरंत एक बड़े बर्तन में निकाल लीजिए। जरूरी पॉइंट, इससे ज्यादा मत ड्राई कीजिएगा, थोड़ी देर में जैसे जैसे ठंडा होगा ये और मिक्स आपका थिक हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसे ज्यादा सुखा लेंगे तो जब आप बॉल बनाएंगे गुलाब जामुन की उनमें क्रैक्स आने लगेंगे, इसलिए इसको हल्का मॉइस्ट ही रखें। अब यहाँ पर बिल्कुल गर्म में ही इसे ट्रीटमेंट देना है, यानी कि एक स्पैटुला चम्मच से लगातार आप इसे मैश कीजिए। थोड़े बहुत भी जो इसमें गुठली होंगी या लम्स होंगे ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। हमें इसे इतना चिकना कर लेना है कि बिल्कुल ये मावा बन जाए, मतलब इसका जो टेक्सचर है, जो दाना है, वो दिखे ही नहीं सूजी का। तो 5 मिनट बिल्कुल बढ़िया से मैंने मसल लिया और एकदम स्मूथ हो गया है, बिल्कुल मावा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया हमारा चिकना मिक्स तैयार हुआ है गुलाब जामुन के लिए। अब यहाँ पर हल्का सा हाथ पर घी लगा करके इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ 101 गुलाब जामुन, तो थोड़े छोटे वाले बनाएंगे, थोड़ा इजी भी हो जाता है सबको खाना, क्योंकि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस भी है तो कोई पूरा गुलाब जामुन खाना नहीं चाहता, तो ये साइज परफेक्ट रहेगा जो मैं बना रही हूँ। देखिए इस तरह से बॉल को तैयार करेंगे, कितनी प्यारी लग रही है। चलिए एक और बनाकर दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा पोर्शन लीजिए, हथेली के बीच में रख करके इस तरह घुमाते जाइए और इसकी गोल गोल स्मूथ बॉल तैयार करेंगे, बहुत ही बढ़िया बनेंगे गुलाब जामुन इस तरह। तो सारी बॉल बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लेंगे। लीजिए, मैंने एक बार के इतने पीसेस गुलाब जामुन के तैयार कर लिए हैं, अभी तो 2 बार इतनी प्लेट और बन जाएगी आराम से। ये देखिए मिक्सर भी बचा है बहुत सारा, तो पहले ये वाले मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, इसी बीच में दूसरे बैच के बना लूंगी।
एक कढ़ाई लेंगे या पैन ले लीजिए। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट टिप आपको याद रखनी है वो ये, ऑयल थोड़ा ज्यादा लेना है, घी या ऑयल जिसमें भी आप फ्राई करने वाले हैं वो इतना होना चाहिए कि जब आप गुलाब जामुन की बॉल डालें तो वो डूब जाए, अगर वो ऊपर ऊपर तैरेगी वहीं से वो फटने लग जाते हैं। फ्लेम बिल्कुल यहाँ पर रखेंगे मीडियम। ये देखिए जैसे ही मैंने डाला बबल्स आ रहे हैं इसमें, यानी ये परफेक्ट गर्म है। अब ये भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये फट तो नहीं रहे। ये देखिए बिल्कुल भी बॉल हमारी फट नहीं रही है, परफेक्ट कलर आया है, है ना। तो हो गया ना 100% गारंटीड। चलिए तो बढ़िया गरम तेल में मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे करके हम अपनी सूजी के गुलाब जामुन डालते जाएंगे। अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे इनको, पहले एक लेयर फर्म सिकने देंगे। यहाँ मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि कटोरी वगैरह सबकी अलग अलग होती है तो रेशो लेने में ऊपर नीचे हो सकता है। आप एक बॉल डालकर चेक कर ले, अगर आपको लगे कि फट रहे तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर उसमें और ऐड कीजिए, और मिल्क पाउडर ऐड करके वापस से उसको बैलेंस कर लीजिए, स्मूथ कर लीजिए, फिर जब आप बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। या फिर आप थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च यानी अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे ये हल्के ब्राउन से दिखने लगेंगे, एक चम्मच से हम बस इस तरह ऑयल को रोटेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑयल को आप इस तरह हिला देंगे ना वो अपने आप घूमने लगेंगे, तो सब तरफ से बढ़िया उसमें कलर आ जाएगा। और देखिए बॉल पूरी डूब रही है ना, और अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी गुलाब जामुन फटे नहीं है, सारे बढ़िया से डांस कर रहे हैं तेल में। ये देखिए है ना मस्त एकदम। तो बढ़िया गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। मैंने कोई सोडा नहीं डाला है, ना कोई बेकिंग पाउडर, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं तीन चीजों को याद रखिए आप, एकदम बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको इस बार सूजी के गुलाब जामुन में। ये देखिए सुपर्ब, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा हमारे गुलाब जामुन में कलर आया है, कोई बोल नहीं सकता इनको ना देख के ना खा के कि सूजी के बने हुए हैं, कहीं से भी फटे नहीं है आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको चाशनी में डालते जाते हैं। यहाँ याद रखिए चाशनी हल्की गरम, गुलाब जामुन एकदम बढ़िया गरम, तुरंत तुरंत हमें डालने हैं जिससे जो चाशनी है वो अंदर तक अब्सॉर्ब हो पाए। यदि चाशनी ठंडी हो गई हो तो पहले थोड़ा सा गरम कर लें। अभी ये ऊपर तैर रहे हैं चाशनी में, जैसे जैसे ये चाशनी अब्सॉर्ब करेंगे ना धीरे धीरे करके ये साइज में भी थोड़े बड़े हो जाएंगे और नीचे बैठने लगेंगे। चलिए अब फटाफट से फ्राई करते हैं सेकंड बैच के। सेकंड बैच के भी बिल्कुल बढ़िया अच्छे गरम तेल में हम फ्राई करेंगे, क्योंकि ये सूजी के गुलाब जामुन है इसलिए तेल ठंडा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह से गोल्डन सेकंड बैच के भी अपने सूजी के गुलाब जामुन फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए सेकंड बैच का भी एक भी गुलाब जामुन फटा नहीं है, देख सकते हैं आप, और बहुत ही प्यारा बढ़िया ब्राउन कलर आ गया है। चलिए तो इसको भी डाल देते हैं चाशनी में। और ये देखिए जो पहले डाले थे ना चाशनी में, हल्के हल्के नीचे जा रहे हैं क्योंकि वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं चाशनी को। और इसी तरह थर्ड बैच के भी अपने गुलाब जामुन फ्राई कर लेंगे। तो जितना मेरे पास मिक्स है मैं सारे बना रही हूँ, लगभग बन जाएंगे 100 के करीब, जबकि मैंने साइज बहुत छोटा नहीं रखा है, थोड़ा और छोटा बनाएंगे तो और सारे बन जाएंगे। ये लीजिए थर्ड बैच के भी एकदम परफेक्ट। तो चलिए अब यहाँ पर अभी आप ये गुलाब जामुन नहीं खा सकते, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं गुलाब जामुन, खूब सारे बन गए। देखिए फैला हुआ लिया था ना बर्तन, तो आराम से इन्हें स्पेस मिल जाती है अच्छी तरीके से चाशनी सोक होने के लिए। तो इसको हम रखेंगे लगभग 3-4 घंटे के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप चाहे इसे ओवरनाइट रखिए तो ज्यादा बढ़िया है, अंदर तक चाशनी चली जाएगी। तो अभी इन्हें आराम करने देते हैं, चाशनी पीने देते हैं, फिर एंजॉय करेंगे। ये देखिए तो लीजिए हमारे सूजी के बहुत बहुत टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाले हलवाई जैसे नरम गुलाब जामुन है बिल्कुल तैयार। तो ये देखिए एकदम बढ़िया बेहतरीन हमारे गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। और ये देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, है ना एकदम बढ़िया, छोटे छोटे हैं, ज्यादा इसको निचोड़ूंगी तो टूट जाएंगे। मैं ऐसे आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कलर, टेक्सचर, शेप, और जब आप खाएंगे 100% मेरी गारंटी है कोई नहीं बोलेगा कि ये सूजी के हैं। और ये देखिए मैं आपको काट कर दिखाती हूँ, छोटा सा गुलाब जामुन है, ये देखिए है ना एकदम सॉफ्ट, अंदर से रस भरा हुआ, पूरा जालीदार और परफेक्ट। तो अभी तो तीज त्योहार रक्षाबंधन सब आने वाला है, जरूर जरूर ट्राई करें। और जो रेशो जो तरीका मैंने बताया है उसको फॉलो कीजिए, परफेक्ट बनेंगे आपके इस बार सूजी के गुलाब जामुन, एकदम मावा गुलाब जामुन जैसे। अंदर तक रस भरा हुआ है, गुठली नहीं है, जालीदार बने हैं, बिल्कुल फटे नहीं है, बिखरे नहीं है, चपटे नहीं हुए। तो हुई ना 100% परफेक्ट वाले गुलाब जामुन। तो जरूर बनाएं इस बार आप एक कटोरी सूजी से ढेर सारे गुलाब जामुन मेरे तरीके से। और इस तरह बना करके आप एक एयर टाइट बॉक्स या कंटेनर में भर करके फ्रिज में रख दीजिए, आराम से ये 15-20 दिन चल जाएंगे, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ कि गुलाब जामुन की ये परफेक्ट और शानदार रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।